दिल्ली के क्रिकेटर की एक डिस्टिंक्टिव अदा है, विराट के टैटूज हैं, शिखर का हेयर स्टाइल है, आपके रिप्ड जीन्स हैं। अगर पुराने क्रिकेटर आपको देखते तो कहते यार ये कहां से आया है, है ना, ये नहीं, आपकी जो स्टाइल है, चलने की अदा है, यू वॉन्ट टू शो मी दिस थाई फाइव जो आप करते हो, ये कहां से शुरू हुआ ये थाई? फर्स्ट ऑफ ऑल शो अस क्लासिक शिखर धवन थाई फाइव। थाई फाइव होता क्या है? थाई फाइव जैसे मैंने कैच पकड़ी तो किसी के पास बॉल है या नहीं है? अगर बॉल नहीं है, इमेजिन दैट शिखर ने कैच पकड़ लिए, बाउंड्री लाइन पर है, तो ऐसे कैच ही है ना। हाँ, अरे वाह, पर ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये जैसे जब मैं कबड्डी देखता था तो मुझे काफी मजा आता था कबड्डी देखने में, और कबड्डी में कभी जब भी रेडर पॉइंट लेके आता है तो रेड मारने के बाद वो करता है, इट्स अ वेरी मैनली थिंग एंड I got connected with it. फिर मेरे को जब मैंने कैच पकड़ी तो करना शुरू किया, तो मैं बड़ा दिल से करता था, और अब कभी भी मैं कहीं जैसे बाउंड्री पे खड़ा होता तो वहाँ पे सारे ऑडियंस या जितनी पब्लिक होती है मेरे को हमेशा थाई फाई करने को बोलती रहती है, तो अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैं दिल से करता हूँ वो दूसरे लोगों के दिल तक पहुँचती है, तो खुशी होती है। यू नो आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो कि शिखर धवन ने जो लास्ट ICC ट्रॉफी इंडिया जीती थी 2013 में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। यू आर द टॉप स्कोरर इन दैट टूर्नामेंट इन इंग्लैंड, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, एंड यू हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड इन 50 ओवर क्रिकेट, स्पेशली इन ICC, एवरेज ऑफ ओवर 53। तो एज इंडिया इज एंटरिंग सेमीफाइनल्स एंड दो मैच रहेंगे टूर्नामेंट जीतने के लिए, क्या होता है, व्हाई इज इट कि ICC टूर्नामेंट्स में क्या करना पड़ता है शिखर पर आने के लिए टू विन द टूर्नामेंट? क्या करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में? अब ऑस्ट्रेलिया में यही कि ऑफ कोर्स दे हैव टू प्ले गुड क्रिकेट एंड एवरीवन नोज देयर रोल, और जब पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो जीतती है। कभी भी चैंपियनशिप किसी एक प्लेयर के बलबूते पे नहीं जीती जाती, पूरी टीम को अच्छा करना पड़ता है, और अभी अगर देखें तो सब परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी साइन है हमारी टीम के लिए। और जितनी गलतियां कम करेंगे, जितना मोमेंटम अपने पे रखेंगे, और जो भी उनकी स्ट्रेटजीज रहेगी टुवर्ड्स जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहेंगे वो, तो दोज ऑल थिंग्स एंड नर्व्स कंट्रोल करनी पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, इट्स अ बिग प्रेशर गेम, तो कौन कितनी नर्व्स कंट्रोल करता है और प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है, तो वो सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। पर मैं देख रहा हूं जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनमें भी यही जो आपने जज्बे की बात की, खास करके जो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, मैंने ये नया क्रिकेटर देखा अर्शदीप सिंह। अर्शदीप इज 19-20 बट ही सीम्स टू, और आप उनके साथ भी खेले हैं आई थिंक एट किंग्स 11। क्या खासियत है जब अर्शदीप बोलिंग पे आता है 19th ओवर 20th ओवर, आपको लगता है ये अर्शदीप कुछ करेगा? क्या है, आपने उनको नजदीक से देखा है, इज ही अ पोटेंशियल मैच विनर? क्या वो लड़का मैच विनर बन सकता है इंडिया के लिए? ही इज अ मैच विनर, एंड अगर आप देखें तो पिछला मैच उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट लास्ट ओवर जीता है। ऑफकोर्स उसके स्किल तो अच्छा है ही है, उसका जो सेल्फ बिलीफ है, ही इज अ यंगस्टर, बट इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि ज्यादा उम्र होगी तभी ज्यादा समझदार होगा, कई लोग जल्दी भी समझदार होते हैं, जैसे विराट इज अ ग्रेट एग्जांपल कि वो शुरू से ही काफी मैच्योर रहा, उसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता था। सो एज एन इंडिविजुअल यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ पे आप कितनी बार उसको रिपीट करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो उसका जो बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है अर्शदीप का, वो बहुत स्ट्रांग है। इवन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने कैच छोड़ा था एशिया कप में तो काफी क्रिटिसिज्म मिला था, बट उसका जो अगेन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसने उसको दिल पे नहीं लगाया, उसने उस एनर्जी को चैनलाइज किया और अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। सो दैट्स व्हाट चैंपियंस डू। ये कहां से आता, आपने दूसरी बार एक वर्ड यूज किया सेल्फ बिलीफ। मैं देखता हूं कि यंगर जनरेशन के जो क्रिकेटर्स हैं दे आर लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ। उनमें एक है, आपने अपनी पहली मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑन डेब्यू इन अ टेस्ट मैच, 183 आई थिंक। ये सेल्फ बिलीफ कहां आता है? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ पाकिस्तान, जो अर्शदीप ने उनके खिलाफ जिस तरह से बॉलिंग की, ये जनरेशन आपका कैसा जनरेशन है, कहां ये, क्या कुछ बदला है यमुना के पानी में, या क्या बदला है कि ये सेल्फ बिलीफ कहां से आ गया?
तो ये सेल्फ बिलीव, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट, अब क्या है आईपीएल आ गई, तो आईपीएल में क्या है जब ये यंगस्टर्स आ रहे हैं और ड्रेसिंग रूम आप बड़े से बड़े प्लेयर के साथ शेयर कर रहे हो, नॉट जस्ट इंडियन प्लेयर बट ओवरसीज प्लेयर्स एज वेल, सो उनके साथ जब वो परफॉर्म करता है और वो देखता है यार कि मैं तो इधर भी जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनसे भी बड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक इंसान का वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आई फील कि उससे एक जो स्पेशली इंडियन टीम में मैंने ये देखा है कि जब भी ट्रांजिशन पीरियड आया है कि नए प्लेयर्स आए हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत आगे, जैसे हम जब मैंने डेब्यू किया था और आज के मैं लड़कों में देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनका सेल्फ बिलीफ जनरेशन पूरी बदल गई है। तो आई फील कि क्योंकि एक्सपोजर इतना बढ़ गया है तो आईपीएल इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यंगस्टर्स, एंड अगेन इन एनी फील्ड इट्स लाइक एवरी वन वर्क ऑन देयर स्किल, सो लाइक माई स्किल इज क्रिकेट, योर स्किल इज टेकिंग इंटरव्यू, सो वी ऑल वर्क ऑन अ स्किल एंड other than that we work on our physical health, but not many people work on their emotional health, where it is very important to work on your emotional health to know how to live life and how to create your dreams into reality. So wo bhi ek way hai using law of attraction and sankalp se siddhi kaise kari jati, to wo sab agar aat aati hai then you can achieve anything and nothing is impossible.